ईस्ट बसूरिया कोलियरी अंतर्गत संचालित खेमका करियर आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्थानीय बेरोजगारों को नियोजन सहित 5 सूत्रीय मांग को लेकर दुर्गा सोरेन के बैनर तले कंपनी का चक्का जाम के दौरान दुर्गा सोरेन सेना की युवा केंद्रीय अध्यक्ष विशाल वाल्मीकि ने अपने संबोधन में कहा कि रैयतों को उचित मुआवजा और नियोजन दिए बगैर कंपनी तानाशाह रवैया अपनाकर काम कर रही है, जिसे दुर्गा सोरेन सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। आज तो सिर्फ चेतावनी पूर्वक एक दिवसीय चक्का जाम किया गया है, आगे रणनीति बनाकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की बात कही। कंपनी 4 महीने पहले वार्ता की, मगर आज तक नियोजन नहीं मिलने की वजह से चक्का जाम करना पड़ा। डीएसएस के लोग जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ ईस्ट बसूरिया खेमका कैरियर्स आउटसोर्सिंग कंपनी का कार्य को ठप किया। इस दौरान कंपनी के लाइजनर डब्लू रामा दलबल के साथ पहुंचे, तभी कुछ समय तक स्थिति तनावपूर्ण बन गई। बाद में बंद समर्थक और कंपनी के लाइजनर डब्लू आलम राम सिंह और अन्य ने ईस्ट बसूरिया ओपी प्रांगण में प्रभारी उपेंद्र कुमार के सानिध्य में सफल वार्ता की। वार्ता में कंपनी ने 45 दिनों के अंदर दुर्गा पूजा के पूर्व दुर्गा सोरेन सेना की मांगों को पूरा करने का सकारात्मक आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। कंपनी के लार्जनिंग अधिकारी डब्लू आलम और राम बाबू सिंह के साथ दुर्गा सोरेन सेना का सकारात्मक वार्ता हुआ है और हमारे ईस्ट बसूरिया थाना प्रभारी उपेंद्र जी भी की उपस्थिति में वार्ता हुई है। और वार्ता में दुर्गा सोरेन सेना से आपका खेमका रियल आउटसोर्सिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लार्जनिंग अधिकारी डब्लू आनंद और राम सिंह ने कहा है कि दुर्गा पूजा से पहले 10 अक्टूबर तक दुर्गा सोरेन सेना के बेरोजगार युवा स्थानीय युवाओं को रैयतों को के लिए विचार करके और रोजगार से दुर्गा सोरेन सेना के बेरोजगार युवाओं को जोड़ा जाएगा। आज दुर्गा सोरेन सेना के विशाल वाल्मीकि जी और कंपनी की तरफ से मैं डब्लू आलम और राम सिंह के बीच और बड़े बाबू के सामने वार्ता हुई है कि इनके 5 सूत्री जो मांग थे हम लोग 10 अक्टूबर तक बरसात के बाद उसको पूरा करेंगे और जहां तक होगा कंपनी में इनका सम्मान किया जाएगा, इनको कहीं भी वंचित नहीं किया जाएगा। मेरा डब्लू आलम साइट इंचार्ज खेमका डीएस।